चंदौली में एशिया के सबसे बड़े जंक्शनों में शुमार डीडीओ जंक्शन के वेटिंग हॉल के ऊपर बुधवार की सुबह भीषण धुआं निकलता दिखाई दिया। इस दौरान यात्रियों में हड़कंप मच गया। सैकड़ों यात्री वेटिंग हॉल से भाग निकले। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के वेटिंग हॉल के ऊपर SNT और टेलीकॉम ऑफिस है, जहां से बुधवार की सुबह अचानक धुएं की गुब्बार निकलता दिखाई दिया। वेटिंग हॉल में प्रतीक्षारत यात्रियों ने जब धुआं देखा तो सभी के होश उड़ गए। धुआं इतना ज़्यादा था कि मानो आसमान में बादल घिर आई हो। आनन फानन में यात्री स्टेशन से बाहर निकलने लगे। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। स्टेशन को सूचना प्राप्त हुई 8:15 पर कि रेलवे स्टेशन दीनदयाल उपाध्याय के केबिन में आग लगी हुई है। खिड़की के ऊपर जहाँ काउंटर है यात्री टिकट लेते हैं, हम लोग तत्काल एक यूनिट लेके आए। दुर्गा जी भी मेरे आए, मैं भी आया हूँ। और ऊपर हम लोग आए तो देखे कि इनका सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन का ऑफिस है, जिसमें बैटरियाँ लगी हुई है, UPS लगा हुआ है, उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई थी। तत्काल हम लोगों ने हुड पाइप फैलाते हुए फायर एक्सटिंग्विशर और पानी की मदद से तत्काल आग को बुझाया गया। बुझाने के दौरान चूंकि आग 10-15 पहले से लगी हुई केबिन था, इसलिए धुआं भर गया था पूरे यात्री कक्ष को, जहाँ बना हुआ है जहाँ टिकट कटता है। हम लोगों ने बुझाने के बाद से एक ब्रश के माध्यम से धीरे धीरे धुआं को विस्थापित कराया। अब कोई कैजुअल्टी नहीं है, पूर्ण रूप से सुरक्षा है। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक बार बिजली की सप्लाई की जाए और देख लिया जाए कि कहीं फिर पुनरावृत्ति तो नहीं होती है। और पूर्ण रूप से आग बुझा दिया गया है, पूर्ण रूप से सुरक्षित स्टेशन हो गया है। कोई अन्य बात नहीं है, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, सब कुछ सामान्य है। लेकिन नुकसान का आकलन उनके द्वारा बताया जाएगा कि UPS कितना नुकसान हुआ है, बैटरी कितनी नुकसान हुई है, इसका हम लोग आकलन नहीं कर पाए हैं। लेकिन बुझाने के दौरान ये अज्ञात हुआ कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से ही आग लग गई।